अभी हम हैं गिरिजानंदा चौधरी यूनिवर्सिटी में। अंकल से मैंने 2:30 बजे का ट्रेन पकड़ा था और गुवाहाटी जाकर 6 बजे उतर गया। वहाँ पर गुवाहाटी के स्टेशन पर एक दीदी थी जो कि एस्केलेटर पर पैर रखती थी और पीछे कर लेती थी और क्या जाने फ्रांक कर रही थी या सही में उनका डर लग रहा था, पर काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। उसके बाद स्टेशन से बाहर निकला तो काफ़ी जाम लग गया, नहीं मुझे देखने के लिए नहीं, ड्राइवर्स जो हैं अपने पैसेंजर्स उठा रहे थे वो लोग जाम करके रखे थे। कोई कह रहा है 600 में लेके जाऊंगा तो कोई कह रहा है 500 में लेके जाऊंगा। स्टेशन से ओनली 16 किलोमीटर है गिरिजानंदन यूनिवर्सिटी। फाइनली एक भैया से बात हुई जो 4 समय मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गए। उसके बाद एक ओला ड्राइवर आया जो बोल रहा था कि 300 में लेके चला जाऊंगा, पर वो बाइक से लेके जाएगा और गुवाहाटी का ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा गदरिंग लगता है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं बाइक से सेफ्टी नहीं होगा। इसलिए अभी भी हम ट्रैफिक में हैं और गाड़ी जो है स्लोली स्लोली जा रही है और बाहर का दृश्य कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सिंपल घर देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी चार बिल्डिंग है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाओ, बीच में लगता है लिफ्ट सिस्टम करके रखा है। यहीं पर आकर हमारी गाड़ी स्लो भी होगी। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, रिक्शा, हमारे लंका में इस तरह के रिक्शा नहीं है, टमटम, आजकल टमटम ही चलता है, रिक्शा का जमाना चला गया। पर इतना बड़ा टाउन है इसमें भी रिक्शा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अभी एक तो रूम लेंगे और रूम लेने के बाद आपसे मिलते हैं, तो चलिए। तो फाइनली होटल मिल गया, ये होटल एयरपोर्ट के पास में ही है और मेरा जो सेंटर है वो है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ पर देखिए मस्कीटो लगा कर दिया है, रात में मच्छर का सिस्टम है ये, और बाकी सब सिस्टम ठीक ही है। और ये लाइट बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि पूरा घर को कुछ एक अलग फीलिंग देता है ये लाइट। और देख सकते हैं बेड वगैरह और यहाँ पर जो सिस्टम है, जो मेरा जो ब्लर सिस्टम है ना, मतलब रियल कैमरा से मैं कर रहा हूँ इसलिए मेरा जो ब्लर हो जा रहा है इसका, तो ज़रा एग्जैक्ट कर लेना। और यहाँ पर देखिए सभी सिस्टम यहाँ रखा गया और यहाँ पर करेंट सिस्टम है और एक मेन्यू है, मेन्यू देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए आज मेन्यू में। जैसे तो बाकी ज़्यादा कॉस्ट होगा यहाँ पर खाने का, पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। और इस होटल को लेने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा, बट रेट इसका सिंपल में है, कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग हाई 600 के आसपास में है, हर चीज़ मिल रहा है। बट इसका क्वान्टिटी क्या रहेगा ये पता नहीं, बाद में इसको चेक करेंगे। और नीचे देखिए ये है QR कोड जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आप ऑर्डर करते हैं उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रूम पर ये सामान जो है आपको भेजा जाता है। तो यहाँ पर QR कोड पेमेंट कर सकते हैं और मेन्यू कार्ड पर उसका नंबर भी होता है। अभी मैं फ्रेश होने जाऊँगा, अभी काफ़ी थकान सा लग रहा है, 3 घंटा गाड़ी में बैठा रहा ट्रेन से और उधर से इधर आने में 1 घंटा लग गया। अभी रात हो गया, अभी 7-8 बज रहे होंगे, अभी फ्रेश व्रेश होते हैं और उसके बाद मिलते हैं। इतना बड़ा इसमें अलमारी भी है, इसमें क्या है चेक करते हैं। ये लगता है पूरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, कोई सामान वगैरह आने से कस्टमर यहाँ पर अपना सामान रख सकता है, इसलिए अलमारी भी रख दिया गया है। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं इसमें रखने वाला, बंद करके रख देते हैं। बेड काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी गई हैं, एक रिमोट है और टीवी भी
यहाँ पर दिया गया है, टीवी भी चला सकते हैं यहाँ पर बिंदास, टीवी भी दिया है। अभी पढ़ने के लिए आए हैं, क्या टीवी देखेंगे। और ये क्या चीज़ है गाइस, आप लोग बताना ये क्या चीज़ है, क्या काम आता है ये सब। तो ये कुछ है शायद नहाने के लिए, शायद मिस्टराइज क्या है पता नहीं क्या है। और ये कुछ सेंट का जैसा लग रहा है मुझे, सावर लेग है ये। ये किस काम में आते हैं मुझे पता नहीं। और ये भी कुछ है, शैम्पू है क्या, हाँ ये शैम्पू है। मैं शैम्पू ऐसे लगाता नहीं है, साबुन ही लगाता हूँ, साबुन ही यूज़ करता हूँ मैं अपने छोटे के लिए। और ये है शायद सप, गेस्ट सप, यानी ये साबुन है, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो सब तो मुझे पता नहीं किस काम में आते हैं, बट ये तो मुझे साबुन है तो इजीली इसको मैं नहाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको खोल के भी देख सकते हैं इसमें क्या किस तरह से है। तो सिंपल साबुन है, सिंपल जो कि हम लोग मार्केट में लेते हैं वैसे ही है, ये भी सिंपल में है। यहाँ पर देखते हैं टेलीफोन है, कौन इतना सामान लेके आता भाई, इतना सारे सामान रखने की जगह रख रखा है। एक दो इधर ड्रॉयर भी है। और ये है टेलीफोन, टेलीफोन से किसी को फ़ोन करने से लगेगा आजकल, रखा है शो के लिए, दिखाने के लिए टेलीफोन। यहाँ पर जस्ट बेड के पास ही बाथरूम है, यहाँ पर देख सकते हैं बाथरूम बेड के पास ही लगा कर रखा है। ये है बाथरूम जो कि होटल में जनरली ऐसा ही होता है। और यहाँ पर मुँह धो सकते हैं, और यहाँ पर नहाने का भी सिस्टम रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल वीडियो बनाएंगे। और कल तो पढ़ाई भी करना है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो देखेंगे जो भी टाइम मिलने से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जहाँ तक तो मैं अपना यूनिवर्सिटी दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक लिए गुड बाय। सुबह में 3 बजे उठा था और पढ़ाई वगैरह किया, और अभी 7 बज रहे हैं, तो अपने रूम से मैंने चेकआउट कर दिया और निकल गया। बट रास्ता में कोई गाड़ी ही नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा दूर पैदल ही चलते हैं और देखते हैं आगे, जो भी गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा यूनिवर्सिटी। तो फाइनली एक भैया मिल गए हैं स्कूटी से, ये मुझे एग्ज़ाम सेंटर के यहाँ छोड़ देंगे बोल रहे थे। तो चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर के यहाँ और मिलते हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर पर। तो चलिए, तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, गिरिजानंदा चौधरी यूनिवर्सिटी में। और यहां पर आज ओनली इंग्लिश और हिंदी का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तभी भी बहुत सारे गैदरिंग यहां पर हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।